कांग्रेस के विधायक व पूर्व मंत्री आफताब अहमद हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा करेंगे। बजट सेशन है और बजट सेशन में राज्यपाल का अभिभाषण हो चुका है। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव किस आधार पर लाएगी, क्या उम्मीद है कि दूसरे विधायक समर्थन करेंगे आपको? अविश्वास प्रस्ताव हमारा बहुत पहले का फैसला था और वो प्रमुख तौर पर अपने किसान, जो पूरे हिंदुस्तान भर के किसान दिल्ली को चारों तरफ बैठे हुए हैं और लगभग 100 दिनों के ज़्यादा हो गए हैं अब उनको, उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और हमने भी पहले कहा था कि हम अविश्वास प्रस्ताव जो है अपने किसानों के समर्थन के लिए और जनता में इस बात के लिए जो व्याप्त इनकी विफलताओं के जो रोष है उसको उजागर करने के लिए हम करेंगे। और उसमें हम ये मानते हैं कि जो जो विधायक अपने पद छोड़ चुके हैं, बयान दे रहे हैं जनता के सामने, वो हमारे साथ आएंगे और इस सरकार को जो इतना इस बात के लिए, जिस तरीके से आप देख सकते हो आज प्रजातंत्र का गला घोट के जिस तरीके से आवाज़ को करके एकदम एब्रप्टली जो है एडजर्न कर दिया गया हाउस, हमारी पूरी बात को सुनने के मतलब के, तो ये सकते हैं बैकफुट पे है। और हमें ये मानते हैं कि जनता हमारी जो हमने अविश्वास प्रस्ताव दिया है उस पर हमारा समर्थन देगी और विधायक भी अंदर खाने बहुत सारे मतलब इस बात को लिए जो है अपना मन बना रहे हैं कि वो हमारे अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें। 75% हरियाणा के युवकों को हरियाणा के कारखानों में रोजगार, कैसे देखते हैं? हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने कानून लेके आए और जिस तरीके से डोमिसाइल को 15 साल से 5 साल कर दिया गया, आप देख सकते हो कि युवक जो है, जो हरियाणा में के युवकों की डेफिनेशन जो है उसे ही चेंज करना चाहते हैं। और ये जो है सिर्फ नई इंडस्ट्री लगने की बात है, नई इंडस्ट्री लगी कहाँ रही है हरियाणा में, ये तो सिर्फ एक लॉलीपॉप उनकी देने की बात है, जिसकी तरह हम ये मानते हैं कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री लग रही है और उसमें हो रहा है, जो लगी पड़ी है ये उन्हीं को रोकने में जो है सक्षम नहीं हो पा रहा। धन्यवाद आफताब अहमद जी। तो ये आफताब अहमद हैं जिन्होंने हमारे से बातचीत की, कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।